याच्यापैकी कोणकोणते काम प्राथमिकतेने करता येईल ते नक्की मी माझ्या पीएला सांगणार आहे की आम्ही जे जे मागणी ते सरपंच साहेबांनी केले असेल किंवा सामान्य नागरिकांनी केले असेल किंवा तुमच्या अंगणवाडीच्या वतीने जे मला निवेदन देण्यात आलेलं आहे त्याच्यापैकी जे जे काम मला करता येईल प्राथमिकतेने ते मी काम करू, त्याची गवाही देण्यासाठी आपल्याला इथे आलेलं आहे। मैं तमाम नौजवानों से ये अपील करना चाहूंगा, वैसे तो मुझे मौका नहीं मिला था आप लोगों का जाती तौर के ऊपर शुक्रिया अदा करने का, तो आज ये मौका भी मैं समझ रहा हूं कि जाती तौर के ऊपर मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं। मुझे आने में इस वजह से दिक्कत हुई है कि आज औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन का एक भव्य कार्यक्रम हुआ है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो है वो बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, उसका उद्घाटन कार्यक्रम चूंकि केंद्रीय मंत्री वहां पर आने वाले थे उस उद्घाटन के लिए, तो इस वजह से ऐन वक्त के ऊपर मुझे वो कार्यक्रम ये करना पड़ा। हम औरंगाबाद से बहुत सारे ट्रेनें शुरू करने का, कई साल पुरानी औरंगाबाद में पिट लाइन की मांगनी थी कि एक मरतबा किसी शहर को अगर रेलवे स्टेशन के ऊपर अगर पिट लाइन मिल जाती है तो बहुत सारे शहरों से हम ट्रेन का कनेक्शन जोड़ सकते हैं। आज ये पिट लाइन का उद्घाटन हुआ है, इसका काम जल्द से जल्द कंप्लीट होगा तो हम डायरेक्टली यहां से अहमदाबाद के लिए हो, यहां से कलकत्ता के लिए हो, यहां से लखनऊ के लिए हो, बहुत सारी ट्रेन हम शुरू कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश मैंने आज अपने भाषण के अंदर यह कहा है कि मराठवाड़ा और औरंगाबाद को रेलवे के ताल्लुक से बहुत ही नाइंसाफी इसके साथ हुई है, तो भाजपा का एक मंत्री खड़े रहकर यह जवाब दे रहा है कि यहां रेलवे का विकास इसलिए नहीं हुआ कि मराठवाड़ा जो है वो निजामों के हाथ में था। अब अगर ऐसे मंत्री है जिनको ये नहीं मालूम है कि निजाम जाके है तो 70 साल हो गए और अभी तक तुम विकास इसलिए नहीं हुआ कि 70 साल पहले निजाम साहब यहाँ पे आए थे, अरे निजाम चले गए, सब चले गए हैं, अब आपका राज है, अब आप करके बताइएगा उसमें। अब औरंगाबाद के लिए एक अच्छी बात यह है कि 6-6 मंत्री है, मंत्रियों का शहर हो गया है हमारा, 2 केंद्र के मंत्री है और 4 जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रखते हैं राज्य सरकार के अंदर। तो ये लोग कैसा काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनके ऊपर देखरेख करने के लिए एक चाहिए था, तो मैंने कहा तुम सब मंत्री हो जाओ, तुम्हारे ऊपर देखरेख करने का काम मैं करने वाला हूं। तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि जितना काम, हमारी कोशिश यही थी कि एक मरतबा औरंगाबाद महानगर पालिका का चुनाव अगर हो जाता तो हम वहां पर हमारी सत्ता बनाकर हमारे जितने भी कॉरपोरेटर्स आते हैं, और इस बार महापौर भी हमारा ही बनने वाला है, तो हम वो सत्ता उनके हवाले करके, मैं खुद पूरा वक्त ग्रामीण इलाकों के अंदर देना चाह रहा था क्योंकि मुझे मालूम है कि ग्रामीण इलाके के अंदर बहुत काम करने की जरूरत है, और यहाँ के जो लोगों ने, विशेषकर मैं हमारे दलित समाज के भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अगर इम्तियाज जलील आज खासदार बनकर वहां पर गया है दिल्ली में, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे दलित भाइयों का भी। मैं सरपंच साहब की तरफ से पूरे समाज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो ग्रामीण इलाकों के अंदर देंगे, और जो जो भी काम है, देखिए किसी गांव के अंदर जाते हैं तो 10-10 लोगों की मांग अलग अलग आती है, लेकिन क्या काम प्राथमिकता से करना चाहिए करके, जैसा आप मुझे स्कूल के बारे में बताया गया है, मैं जैसे ही मतलब मौका मिलेगा मैं जिला परिषद सीईओ के साथ मीटिंग लगवा के यहाँ के स्कूल की जो मांगनी है कि उर्दू स्कूल के अंदर 8वीं के बाद सुविधा नहीं है, 9वीं और 10वीं का जो प्रस्ताव है, नहीं हम उसका करवा के देंगे, मैं इतने सबके सामने है तो जबान देकर जा रहा हूँ आपको, वो करवा के दूंगा। देश से लेकर शहर तक हर खबर आप तक, सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक, लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।